जी नमस्कार, क्रिएटर सुपर 30 में आपका स्वागत है। आपने सीक्वेंस सीरीज का 15 पार्ट देखा, उसी ढंग से बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट 1 आपको मैंने रिलीज किया। आज मैं पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको ने पास्कल ट्रायंगल के बारे में बताया और पास्कल ट्रायंगल का एप्लीकेशन सिखाया, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि पास्कल साहब नहीं थे तो क्या बाइनोमियल थ्योरम नहीं बनता था? बनता था। अब इसके बारे में हम बताएंगे कि विदाउट पास्कल ट्रायंगल आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाना था, ये चीज को हम लोग को देखना है। इसको आप पूर्ण रूप से देखेंगे और अगर इसका पूरा डेप्थ नॉलेज आपको लेना है तो हमारी ऐप है सरदार पटेल सुपर 30, उस ऐप पर आप जाएं और इसको क्लास काउंसलिंग टेस्ट को देखें। यूट्यूब पर तो हम 10-10 मिनट का ही वीडियो डालते हैं, लेकिन अगर डेप्थ में जाना है तो उसमें वहां पर देखें, या आप यूट्यूब पर हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आपको वहां पर पूरा क्लास काउंसलिंग टेस्ट दिखेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना समय गमाए हुए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले आप a स्क्वायर लिख दो, यहां पर 2 और यहां b स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। यहां a प्लस बी का होल क्यू, पहले a क्यू मिलेगा, उसके बाद 3a स्क्वायर b 3 और 3 × 6 ab² और b क्यू। यह कैसे लिखा गया पहले इसके बारे में हम सिखाते हैं। a प्लस बी का होल क्यू, तो पहले a के पावर 3, यहां तक सही, इसकी कोफिशियंट 1 है तो यहां पर 3a² और b के पावर 1। अगला यहां पर हो जाएगा 6a² और यहां पर b² / 2, ये कट जाएगा 3 बार में। अगला हो जाएगा यहां पर 3 × 1 a² / 0 b³³ 3 से 3 कट करके। अब यहां पर 4 वाले को तुम्हें करना पड़ेगा, तो यहां पर a प्लस बी का होल पावर 4 यानी a² 4 यहां पर a³ b² 1, यहां 4 × 3 = 12 a² b² 2 6 बार में कटा यानी 12 a² 1 b² 1, यह 4 बार में कटा यानी 4 × 1 a² 0 b² 4 / 4, यानी यहां पर तुम्हारे पास जो आया वह a प्लस बी का होल पावर 4 a² 4 4a³ 6a² b² 4a² b³ और यहां b². अगली प्रश्न तुम्हारे पास है a प्लस बी का होल पावर 5, तब क्या हो जाएगा a² 5 5a² यहां पर 20a³ यानी फाइनल कट के आपको आ जाएगा a प्लस बी का होल पावर 5 a² 5 यहां 10 a³ b²
और बी के पावर 5। अब इस टाइप के कोई भी फॉर्मूला रहेगा तो आपने इसका देख लिया कि कैसे इसको करना है। आइए हम लोग देखते हैं a प्लस बी के होल पावर 6 को। तो यहां पर होल पावर 6 है, यानी यहां पर a के पावर 6, यहां तक समझ गया। यहां पर 1 इंटू 6 अ के पावर 5 अ बी के पावर 1 बाई 1, 1 से 1 कट गया, ये भी समझ गया। अगला हो गया 6 इंटू 5 ए के पावर 4 बी के पावर 2, ये भी आपको समझ गया। 3 इंटू 5 ए के पावर 3 बी के पावर 3 बाई 3। और यहां पर यहां 4 भी। अगला 20 × 3 ए के पावर 2 बी क्यू बाई 4, 15 × 2 तो यहां पर ये 4 था, ये वाला 5, और 5 × 15 कट गया, यानी यहां पर तुम्हारे पास आया a प्लस बी का होल पावर 6 a के पावर 6, यहां पर 5 × 15 और 5 × 20 प्लस 5 × 15 और 3 × 6 बी के पावर 6, ये आपको आ गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि अगर पास्कल नहीं थे तो इस मेथड से बना। अब एक विद्यार्थी बोला, सर अगर यह कंसेप्ट नहीं मुझे मालूम हो तब हम बाइनोमियल कैसे करेंगे? तो आप करेंगे बाइनोमियल उस सिचुएशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, यानी आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे आप करेंगे यह बात को सीखिए, यानी a प्लस बी का होल पावर 5 है, यानी a और b है और 5 आपके पास है टॉपी, तो a b को आप बंटवारा कैसे कैसे करेंगे यह देखिए। अगर यहां पर इसका 5 लिए तो 0, 4 तो 1, 3 तो 2, 3 × 2 आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका डिक्रीज करेगा 5 4 3 2 1 0 और ये आपका इंक्रीज करेगा 5 × 5 = 0 5 × 4 = 1 और यहां पर 5 × 3 = 2 यहां पर 5 × 2 = 3 5 × 1 = 4 और यहां पर 5 × 0 = 5 यानी इसकी कैलकुलेशन जब तूने किया तो यहां a के पावर 5
फाइव ए के पावर फोर बी के पावर वन, यहाँ दस ए क्यू बी स्क्वायर, दस ए स्क्वायर बी क्यू, और यहाँ ए पाँच ए के पावर वन बी के पावर फोर और बी के पावर फाइव। इसी ढंग से अगर कोई दूसरा भी अगर आपको निकालना रहे, जैसे a प्लस बी का होल पावर फोर, तो यहां पर तुम कह सकते हो कि सर जी पहले चार को बंटवारा करना होगा, चार जीरो तीन एक दो दो एक तीन जीरो चार। अब ए बी पांच बार लिखना होगा, अब हो गया यहां चार तीन दो एक जीरो जीरो वन टू थ्री फोर। अब फैक्टोरियल के अनुसार लिखोगे तो चार फैक्टोरियल, यहां पर चार फैक्टोरियल बटे थ्री फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल बटे टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, और यहां चार फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, और यहां चार फैक्टोरियल बटे जीरो फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल। यानी इसकी फाइनल आंसर जो हुआ ए के पावर फोर फोर ए क्यू बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए बी क्यू और बी के पावर फोर। अब इसी को फिर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हुआ, अब यहां पर कॉम्बिनेशन में कैसे कन्वर्ट हुआ, यानी a प्लस बी का होल पावर n, n कॉम्बिनेशन जीरो a के पावर n b के पावर जीरो, n कॉम्बिनेशन वन n माइनस वन b के पावर वन, एन कॉम्बिनेशन टू एन माइनस टू बी के पावर टू डॉट 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 एन कॉम्बिनेशन एन ए के पावर आई। यानी उसी को फैक्टोरियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को कॉम्बिनेशन फॉर्म में कहा गया। यानी यहां पर इसको हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल बटे जीरो फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल, यही बात यहां लिखा हुआ है ए के पावर एन बी के पावर जीरो, यहां एन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगला एन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल, यह बात लिखा हुआ है। यानी आप लोग ने एक्सपेंड करना सीख गया है इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम लेके आ रहे हैं जनरल टर्म और मिडिल टर्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।